हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो शायद आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, तो इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट देखिए इम्पीड। इम्पीड तो काफ़ी बार सुना होगा आपने, बाधा ढालना। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है मांगना या फिर याचना करना। इम्प्यूट, ये शायद आपने कम सुना हो, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। इनेप्ट, इनेप्ट काफ़ी बार सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अकुशल, अनाड़ी। इनक्यूब्यूस, इनक्यूब्यूस का मतलब होता है भयानक सपना। ये वर्ड भी आपने बहुत कम सुना होगा, INCUBUS, इनक्यूब्यूस। इनक्यूब्यूस का मतलब भयानक सपना। और जो नेक्स्ट है आपका इनकर, इनकर का मतलब होता है सहना, दायित्व लेना या अपने ऊपर लेना, ठीक है। जैसे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इनकर्ड द लॉसेस कॉज्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, इनकर्ड, ठीक है, दायित्व लेना, सहना। नेक्स्ट देखिएगा हैवोक। हैवोक काफ़ी प्रिवेलेंट वर्ड है, काफ़ी बार यूज़ होता है ये जनरल वर्ड है। हैवोक मतलब तबाही, नाश। हैजल, परेशान करना। हैरो, ये शायद आपको नहीं पता होगा, हैरो इसका मतलब होता है दुख देना, सताना, डेट इज़ कॉल्ड हैरो। ग्वेल, ग्वेल का मतलब होता है आपका छल कपट, ग्वेल। तो एक वर्ड है आपका हैरो, हैरो का मतलब दुख देना, दुख देना या फिर सताना। और एक है वर्ड आपका ग्वेल, इसका मतलब है छल कपट। और एक ग्रोटो, ग्रोटो का मतलब खोहो या फिर गुफा, खोहो या फिर गुफा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डोलरस। सो डोलरस का मतलब होता है आपका, डोलरस का मतलब दुखी, उदास, डेट इज़ कॉल्ड डोलरस। ग्लम, ग्लम काफ़ी प्रचलित वर्ड है, ये भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी पूछा जाता है, इसका मतलब है अप्रसन्न, उदास। रिनाउंस, रिनाउंस का त्याग होता है इसका मतलब। ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, निंदा, अनादर। और एपोस्टेटाइज, एपोस्टेटाइज का मतलब होता है स्टेटाइज, धर्म त्याग देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एपोस्टेटाइज, एपोस्टेटाइज का मतलब होता है आपका धर्म त्याग देना, एपोस्टेट स्टाइज। तो निर्नाउंस, त्यागना इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोलरस, दुखी, उदास। नेक्स्ट देखिएगा एरी, एरी का मतलब होता है भयानक और डरावना, डेट इज़ कॉल्ड एरी। और एक वर्ड था INCUBUS, उसका मतलब क्या था, भयानक सपना। एडिफाई, एडिफाई का मतलब होता है आपका, एडिफाई का मतलब है सुधारना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एडिफाई, एडिफाई मीन्स सुधारना। एनगल्फ मतलब निगल लेना, ये काफ़ी यूज़ होता है वर्ड, इसका तो पता ही होगा। एंडीवर भी पता होगा, टू ट्राई, प्रयास करना। एनस्यू, एनस्यू का मतलब पीछे करना। और एरेंट का मतलब भी काफ़ी होता है, ERA, देखिए ये होता है इरेंट, भटका हुआ, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, इरेंट, ERANT, इरेंट, भटका हुआ। और एक वर्ड होता है आपका इरेंड, ERANDED, इसके साथ डी लग जाता है, इरेंड, उसका मतलब होता है गुमराह करना। एस्ट्रे, ASTRAY, मैं लिख देता हूँ, देखिए ये है इरेंट, ठीक है, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, इरेंट नाउन है ये। और एक है ERRAND, ठीक है, इसके साथ डी आ गया, तो भाई इसका मतलब होता है आपका गुमराह करना, ठीक है, किसी को गुमराह करना। नेक्स्ट है आपका वर्ड चाइड, चाइड का मतलब होता है निंदा करना। आगे है क्लिक, CLIQUE, क्लिक। सो क्लिक का मतलब है आपका गिरोह, गुट। कॉमिटी, कॉमिटी का मतलब होता है आपका शिष्टाचार, कॉमिटी मतलब शिष्टाचार। क्वेर्स, क्वेर्स का मतलब दबाना किसी चीज को। और कंप्लाई का मतलब क्या होता है आपका, स्वीकार करना, कंप्लाई मीन्स टू एक्सेप्ट। दोबारा से देख लेते हैं, सबसे पहले आपका चाइड, चाइड का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना या फिर एक तरीके से डांटना भी होता है। आगे है क्लिक, क्लिक का मतलब होता है गिरोह या फिर गुट। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो इंग्लिश, तो उसमें काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ होता है आपका क्लिक। आगे है कॉमिटी, कॉमिटी का मतलब होता है आपका शिष्टाचार, शिष्टाचार, तो आपका कॉमिटी का मतलब हो गया। एक वर्ड होता है आपका सलन, मैं बता देता हूँ, SULLEN, SULLEN, सलन,
सो इसका मतलब होता है, सलन का मतलब हठी, जिद्दी, ठीक है, सलन। तो इम्पोर्टेंट वर्ड था सलन। एक वर्ड होता है आपका क्रैबी, CRABBY, क्रैबी, क्रैबी। क्रैबी का मतलब होता है आपका चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। एक वर्ड होता है आपका प्री जुडाइज्ड, प्री जुडाइज्ड, ठीक है, प्री जुडाइज्ड। इसका मतलब होता है बाइज्ड। बाइज्ड मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, ठीक है, बाइज्ड। और अनबाइज्ड मतलब जो पक्षपात ना करे। एक वर्ड होता है आपका प्रोफेन, PROFANE। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोफेन का मतलब होता है आपका अपवित्र और धर्मद्रोही, डेट इज़ कॉल्ड प्रोफेन। एक वर्ड होता है आपका फिलेंडरर, फिलेंडरर का मतलब होता है व्यभिचारी, अडल्ट्री, अय्याशी करने वाला, फिलेंडरर। FILENDER, फिलेंडरर। एक होता है फिलिस्तीन, PHILIS, TINE, फिलिस्तीन। इसका मतलब होता है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। इनडिफरेंट जिसको आर्ट और कल्चर के प्रति, जो इनडिफरेंट हो उसको कोई लेना देना नहीं है आर्ट से, कल्चर से, डेट इज़ कॉल्ड फिलिस्तीन। तो ये होता है फिलिस्तीन। एक वर्ड होता है आपका जियरिंग, JEERING, जियरिंग। जियरिंग का मतलब होता है रूड और मॉकिंग कमेंट्स करना, मेकिंग रूड एंड मॉकिंग रिमार्क्स टिपिकली इन अ लाउड वॉइस। एक लाउड वॉइस में जोर जोर से एक हास्यपद और एक रूड जो रिमार्क्स हैं वो करना। एक वर्ड होता है आपका फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है आपका ओपनली डिसरिगार्ड ए रूल, लॉ और कन्वेंशन, ठीक है, एक रूल, एक कानून, एक नियम, ठीक है, उसको डिसरिगार्ड करना, उसका सम्मान ना करना, ओपनली बिल्कुल पब्लिकली उसका बहिष्कार करना उस रूल का, डेट इज़ कॉल्ड फ्लाउट। और एक वर्ड होता है आपका लिक्विजेंस, DELIQUESCENCE, डिलिक्विसेंस। ये वर्ड आपका स्पेलिंग, स्पेल आउट करेक्ट स्पेलिंग में बहुत यूज़ होता है। इसका मतलब होता है टेंडिंग टू मेल्ट और डिजोल्ड स्पेशली, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेंडिंग टू मेल्ट और डिजोल्व, ठीक है, उसकी जो टेंडेंसी होती है मेल्ट होने की या फिर डिजोल्व होने की, उसको बोलते देते हैं डिलिक्विजेंस। तो ये आपके कुछ मतलब हो गए। और एक वर्ड होता है एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स, APOCALYPSE, एपोक्लिप्स। इसका मतलब होता है पूर्ण विश ये विनाश, ठीक है, एनिहिलेशन, कैटास्ट्रोफ, डिवास्टेशन, ठीक है, कैटेक्लिज्म्स, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा मोरोस, चिड़चिड़ा, उदास। ग्रीवियस, दुखद, कष्टदायक। एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना। एक्रीड, ये वर्ड आपने शायद कम सुना होगा। एक्रीड का मतलब होता है कसैला, तीखा। सलन आ गया ना, वही वर्ड, उदास, सुस्त और जिद्दी, डेट इज़ कॉल्ड सलन। जिद्दी भी होता है। ट्रैक्टेबल क्या होता है, इसका अपोजिट है। ट्रैक्टेबल वो होता है जिसे सरल, जिसे मनाया जा सके, जो हटी ना हो, डेट इज़ कॉल्ड ट्रैक्टेबल। और सलन का मतलब क्या होता है, स्टबर्न, ठीक है, उदास, सुस्त। एक्रिड का मतलब कसैला, तीखा, ठीक है, जनरली कुकुम्बर के लिए यूज़ कर लिया जाता है कि वो कसैला है, कड़वा है। आगे देखिए, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जिंग, जिंग का मतलब जोश, जिंदा दिली। जोजी, डोजी, डोजी मतलब कठिन या फिर पैतरेबाजी करना, धूर्ततापूर्वक। धूर्तता क्या होती है, चालाकी होती है, चालाकी के से भरा हुआ, डेट इज़ कॉल्ड डोजी। डिस्पाइज, डिस्पाइज होता है आपका डिस्पिकेबल, वही घृणित, तिरस्कार करना। और रिनीच, रिनीच का मतलब होता है मुकरना, अपनी बात से मुकरना, डेट इज़ कॉल्ड रिनीच। इंपॉर्टेंट वर्ड है RENEGE, रिनीच, मुकरना। दोबारा देखते हैं, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जिंग, जोश, जिंदा दिली। डोजी, कठिन, धूर्ततापूर्वक पूर्ण। और डिस्पाइस, घृणित,
या फिर तिरस्कार करना, और एक वर्ड होता है डिस्पाइकेबल, डिस्पिकेबल, उसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, और रिनीच का मतलब होता है मुकरना। आगे देखिए एगोग, एगोग का मतलब होता है उत्सुक, एक्सटोल, शायद ये वर्ड सुना होगा आपने, एक्सटोल का मतलब सराहना, प्रशंसा, डम्पिश का मतलब होता है उदास, और फेन का मतलब होता है हैप्पी, ये शायद वर्ड आपने शायद कम सुना होगा, FAIN, फेन, और एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है आपका अति आनंदित। एगोग उत्सुक, एक्सटोल सराहना प्रशंसा, डम्पिश का मतलब होता है उदास, ग्लम, GLUM, ग्लम, ठीक है, GLUM, ग्लम, ठीक है, डम्पिश। फेन का मतलब होता है आपका हैप्पी, फेन हैप्पी, और एक है आपका एक्सटैटिक, इसका मतलब है अति आनंदित। अगला वर्ड देखें, सीड, सीड का मतलब होता है सौंप देना, खिनोसिस, खिनोसिस का मतलब होता है त्याग करना, स्नब, स्नब का मतलब एक चपटी भी, चपटी के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाक, चपटी नाक होती है, या फिर होता है अपमान, या फिर डांटना आपका, रिबफ करना। क्वर, क्वर का मतलब होता है अजीब और होमोसेक्सुअल, एंड स्कोफ, स्कोफ का मतलब होता है आपका घृणा करना, उपहास। दोबारा देखते हैं, सीड सौंप देना, खिनोसिस, खिनोसिस का मतलब है त्याग देना, स्नब का मतलब चपटी, अपमान या फिर डांटना, क्वेर, क्वेर का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, एंड स्कोफ का मतलब आपका होता है घृणा करना या फिर मजाक उड़ाना। अगला देखते हैं SOL, SOL का मतलब होता है बरी करना, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाकी, SOL का मतलब बरी करना, एस्ट्यूट का मतलब चालाकी, चालाक जो होता है, एपीज का मतलब होता है शांत करना, एप्लोम, एप्लोम का मतलब होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास, एनिक्स का मतलब होता है मिला लेना या फिर हड़प लेना। आगे देखिए एरोयो, एरोयो का मतलब होता है नाला या फिर छोटी नदी को हम बोलते हैं एरोयो। नेक्स्ट है आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, ARDENT, आर्डेंट, उत्साही बोल देते ना, आर्डेंट पैशन है, मतलब एक ऐसा जुनून है उसके पास कुछ कर दिखाने का। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है चिपकाना या फिर जोड़ना। एविड, एविड का मतलब उत्सुक है। ऑस्टियर का मतलब होता है सख्त और कट्टर, काफ़ी हार्ड लाइफ जिसको हम बोल देते हैं ऑस्टेयर, सख्त कट्टर, डेट इज़ कॉल्ड ऑस्टेयर। आगे देखिए बैक चैनल, ठीक है, बैक चैनल, सो बखेनल, बखेनल का मतलब होता है शराबी, बखेनल का मतलब होता है आपका शराबी, बैबल, बकवास, बैबलिंग करना, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड बक बक प्रलाप। बैरन, बैरन का मतलब बंजर हो गया, फर्टाइल इसका अपोजिट हो गया। बिस्टो, बिस्टो होता है प्रदान करना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का कोई हम नाम दे देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड बिस्टो, कि मैं उसको इस नाम से पुकारता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड बिस्टो, या फिर प्रदान करना। और एक वर्ड होता है आपका बैकोन, बैकोन का मतलब होता है संकेत करना, ठीक है, कोई इंडिकेशन देना, जनरली आप बॉडी के गेस्चर यूज़ कर सकते हो, आप आँख आइज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड बैकोन। सो एक वर्ड है आपका बैकेनल, बैकेनल का मतलब है शराबी, बैबल का मतलब बक बक, बैरन बंजर, बैकोन संकेत करना, आँख मारना, और बिस्टाओ का मतलब प्रदान करना, बेस्टाओ कोई उपाधि देना, जैसे इज़ कॉल्ड बेस्टाओ। उसके बाद देखिए वैगिश, वैगिश होता है मजाकिया, ठीक है, वैगिश। वेल, वेल का मतलब विलाप, बिलखना, वेन, कमी, ठीक है, शॉर्टेज, घटना, डेट इज़ कॉल्ड वेन। विक्ट का मतलब सभी को पता है दुष्ट, हरामी, और विडल का मतलब होता है चापलूसी से मना लेना किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, तो ये हो गया आपका विडल, WHEEDLE, विडल, चापलूसी से मना लेना। वेल का मतलब विलाप, बिलखना, वेन का मतलब कमी, घटाव, वैगिश मजाकिया, विक्ट दुष्ट हरामी, विडल चापलूसी से मना लेना। वाइस पाप बुराई, विस्किट चिपचिपा, ठीक है, विस्कुअस, वर्जिन पवित्र, वर्व जोश उत्साह, डेट इज़ कॉल्ड वर्व, VERVE वर्व, और व्हील का मतलब होता है पर्दा, घूंघट। नेक्स्ट देखिएगा OAF, ओफ, ओफ का मतलब होता है गंवार, अगर मैं इसका एक्सप्रेसिव वर्ड करूँ तो इनेप्ट बोल सकते हैं, बेतुका सा, क्लमजी टाइप, ओबीस मोटा, ओडियम, ओडियम का मतलब होता है अपमान, घृणा, ओमिट का मतलब निकाल देना, एंड ओनस का मतलब होता है कर्तव्य, ओनस, डेट इज़ कॉल्ड कर्तव्य। OAF, ओफ मतलब गंवार, मूर्ख, ओबीस मोटा, ओडियम अपमान, घृणा, ओमिट छोड़ देना, हटाना, एंड ओन
ओनस कर्तव्य, एक वर्ड होता है ओनरस। ओनरस का मतलब क्या होता है? ओनरस का मतलब आप ज़रा कमेंट में बताइएगा अगर वीडियो देख रहे तो। ओनरस, ONERROUS, ओनरस। आगे देखिएगा डिमोलिशन। डिमोलिशन होता है विध्वंस। हेजिमनी, हेजिमनी का मतलब होता है प्रधानता। प्रधानता क्या होता है? कोई इम्पोर्टेंस, प्राइम, ठीक है, इम्पोर्टेंस देना, प्रधानता। ब्लिच, ब्लिच का होता है बम बरसाना। स्ट्रेटेजम, स्ट्रेटेजम का मतलब होता है छल कपट। और एक वर्ड है आपका डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई या फिर टू फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड डिसर्न, पहचानना। आगे देखिए स्कपर। स्कपर का मतलब होता है, एक वर्ब है ये, रप्चर, ब्रेकअप, डिवास्टेट, डीलैपिडेट, स्ले, सारे एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं आपके, टूटना, तोड़ना, तबाह करना, दैट इज कॉल्ड स्कपर। रप्चर, स्ले, ब्रेकअप, डिवास्टेट, डीलैपिडेट, दैट इज कॉल्ड टूटना, तोड़ना, तबाह करना, स्कपर। दोबारा देखिएगा, रप्चर, स्ले, ब्रेकअप, डिवास्टेट एंड डीलैपिडेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन करना। एंथ्रेल, मोहित करना, अपने वश में करना। सबड्यू, रिस्ट्रेन। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्या होता है? कोई किसी के नीचे काम करे, डैट इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट। एनस्लेव, एनस्लेव गुलाम बनाना। तो सारे के सारे सेम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। सब्जुगेट, अधीन करना। अधीन करना मतलब वो तुम्हारे अंडर एक तरीके से काम करेगा, वशीभूत करना, ठीक है, एंथ्रेल करना, सबड्यू करना, रिस्ट्रेन, सब ऑर्डिनेट, एनस्लेव। एक दो वर्ड और बताइएगा अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। मोहित करना, इससे रिलेटेड एक दो वर्ड हैं। उसके बाद देखिए स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट करना, एड, फेवर, अपहोल्ड, एंडोर्स, ठीक है। एंडोर्स का मतलब एक तरीके से ये भी हो गया कि कोई डील साइन करना, स्पेशली किसी प्रोडक्ट को लेकर के, कि आप उस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट, आपने सुना भी होगा। तो सपोर्ट, एड, फेवर, अपहोल्ड, तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं? एक एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। एस्पाउज मतलब समर्थन देना या फिर किसी चीज़ को एड देना, सहायता देना। नेक्स्ट है आपका एनस्नेयर। एनस्नेयर का मतलब होता है आपका एंट्रैप, कोएक, कोएक्स। कोएक्स मतलब क्या होती है? एल्योर करना, एंटाइस करना, फुसलाना, जिसको बेसिकली बोल देते हैं। एम्ब्रोयल एंड एंटेंजल। एंटेंजल क्या होता है ना, अपने जाल में फंसा लेना। तो एनस्नेयर का मतलब होता है आपका एंट्रैक, कोएक्स। कोएक्स को कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा होएक्स से, HOAX। HOAX का मतलब होता है अफवाह। एल्योर करना, एंटाइस करना, एम्ब्रोयल करना और एंटेंजल करना, सबके सेम मतलब हैं। सागा, सागा तो सभी को पता होगा, कहानी, गाथा, कथा, नैरेटिव, नोवल। ये लास्ट मतलब देखिए रेवेन्यूस। रेवेन्यूस का मतलब होता है आपका भुक्खड़। क्या होता है? भुक्खड़। एक दो मतलब और देखिए। एक मतलब होता है आपका पायस, मैं लिख देता हूँ, PIOUS, पायस। पायस का मतलब होता है आपका पवित्र। क्या होता है इसका मतलब? पवित्र। डिवाउट, डिवाउट का मतलब होता है धर्मनिष्ठ। DEVOUT, डिवाउट। सो डिवाउट का मतलब होता है आपका धर्म से संबंधित, धर्मनिष्ठ, डेट इज कॉल्ड डिवाउट। एक वर्ड होता है आपका रेयर फाइड, RARE FIED, इंपॉर्टेंट वर्ड है रेयर फाइड। सो रेयर फाइड का मतलब होता है हैविंग लो डेंसिटी। अब एयर के लिए यूज़ होगा, द एयर इज़ रेयर फाइड एंड फ्रीजिंग, डेट इज़ कॉल्ड रेयर फाइट। और एक इसका मतलब होता है रिजर्व फॉर एन एलाइट ग्रुप। रिजर्व फॉर एन एलाइट ग्रुप, किसी एलाइट मतलब बड़े तबके के लोग, नोबल फैमिली के लोग, अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए रिजर्व, आरक्षित करना। या फिर असाधारण, जो साधारण, ऑर्डिनरी ना हो, ऑफ हाई मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। एक वर्ड है आपका गैंगस्टर, GAGSTER, गैंगस्टर। क्या मतलब होता है वर्ड गैंगस्टर का? गैंगस्टर का मतलब होता है समवन हु राइट्स कॉमिक मटेरियल फॉर पब्लिक परफॉर्मर्स। जो पब्लिक परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए कॉमिक, कॉमिक मतलब एक मजाकिया टाइप सा मटेरियल जो है वो लिखना। समवन हु राइट्स कॉमिक मटेरियल फॉर पब्लिक परफॉर्मर्स। और एक वर्ड होता है आपका ALBEIT, एलबीट। ALBEIT, एलबीट। एलबीट का मतलब होता है यद्यपि, 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 ठीक है। सारे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हैं, हाउएवर, बट, कंजंक्शन, सारे कंजंक्शंस हैं बट एक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। इनसे पहले जो बात कही गई होगी वो
जस्ट अपोजिट कही गई होगी, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है। और एक वर्ड है आपका हार्ट थ्रोब, HERT हार्ट एंड THROB हार्ट थ्रोब। हार्ट थ्रोब का मतलब होता है अति आकर्षक व्यक्ति। आकर्षक क्या होता है, जो अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं या फिर ऐसी उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है, तो व्यक्ति के लिए यूज़ होता है अति आकर्षक व्यक्ति। जैसे कि फ्लैम्बोयंट, FLAMBOYANT फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट। तो फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है स्वयं की ओर आकर्षित करने वाला। जैसे कि US की फ्लैम्बोयंट लाइफ जो है वो मुझे वहाँ जाने के लिए आकर्षित कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड फ्लैम्बोयंट। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, फ्लैम्बोयंट, BOYANT फ्लैम्बोयंट, स्वयं की ओर आकर्षित करने वाला, तेज तरार लाइफ। एक वर्ड होता है आपका इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इंटरमिनेबल। इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है, इटर्नल, अनंत, अनंत काल, डेट इज़ कॉल्ड इंटरमिनेबल। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वोकैब की बेस्ट से बेस्ट बुक चाहिए तो मैं आपको 4 बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विद ईडियम एंड फ्रेजिस, और 3 वोकैब्स की बुक है ईडियम एंड फ्रेजिस के साथ, तो सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको ये मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस सेशन, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।